हाय गाइस, सो 8 डिजिट प्रॉफिटेबल स्टार्टअप हम एक साल में कैसे बनाए, आज की वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो एक हर बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर के लाइफ में आता है, विच इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ दैट। अबे साले, सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम माय ओन जर्नी। सो व्हेन वी स्टार्टेड एज अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर। So we did many internships, courses. After having a 1.5 year of experience, we started giving out the services. So starting में हमें 4 clients मिले। From each client we were getting 10,000 rupees per month. So 40,000 rupees एक अच्छा amount होता है। पैसा ही पैसा होगा। But एक point के बाद issue आना start होता है। मतलब growth होती है and you get 2 interns under you, 2-3 freelancers लेके आते हो, चीजें outsource करते हो, सारा काम अच्छे से हो रहा होता है, पर एक साल के बाद problem start होती है। एंड होता क्या है, आप ही अपने कंपनीज की ऑपरेशंस कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, एचआर कर रहे हो। सो अगर आप इतना सारा काम खुद कर रहे हो तो आप इनोवेशन कब करोगे? लाइक मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था, शार्क टैंक वाली वीडियो में, कि रियल एंटरप्रेन्योर एक वैल्यूडेशन करता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पर आप इस डेथ ट्रैप में फंस जाते हो एंड दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ डेथ। सो आपको आपके स्क्रीन पे ग्राफ दिख रहा होगा। सो ये ग्राफ ना ही प्रॉफिट डिनोट करता है ना ही रेवेन्यू, ये डिनोट करता है ग्रोथ परसेंटेज। सो आप देखेंगे इनिशियली एक हाइक है। तो इनिशियली जब एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, ही इज वेरी एंथुसियास्ट, आरएनडी फेज है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज है, तो वहां पे हमेशा ग्रोथ होती है। आफ्टर 3 मंथ्स वो जो ग्रोथ होती है वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है, 5% मंथ ऑन मंथ चल रही होती है, विच इज अ लोअर रेट, इसलिए ग्राफ आपको नीचे जा रहा है। एंड देन लास्ट में आता है वैल्यू ऑफ डेथ, जो 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। एंड दैट इज अ टाइम वेयर आर सेकंड कॉन्सेप्ट कम, विच इज कॉल्ड कैश बर्न। सो कैश बर्न इज अ प्रोसेस जब आप कमाते कम है और खर्चा ज्यादा करते हैं। यस, मैं आपको इसके 3 एग्जाम्पल देता हूँ। पहला है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट एक ग्रोसरी ऑनलाइन स्टोर है। ब्लिंकिट करेंटली अपने एक ऑर्डर पे 90 रुपए का लॉस बेयर करता है। जी हाँ। सेकेंड इज पेटीएम मॉल। पेटीएम मॉल जब स्टार्ट हुआ था उसने 1 महीने में 200 करोड़ रुपए डिजिटल मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया था जस्ट टू गेट न्यू कस्टमर्स। थर्ड इज बायजूस। बायजूस इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न है और बायजूस ने 2020 में 230 करोड़ का नेट लॉस बेयर किया, जो अगले साल 2021 में 4600 करोड़ का नेट लॉस बन गया। हाँ मम्मी, वो आर्ची का बायजूस से सब्सक्रिप्शन कैंसिल करा दो, हाँ उनसे नहीं हो पाएगा। तो कैश बर्न हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉइंट पे बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बन जाता है। हम लोगों ने लास्ट ईयर अक्टूबर में ये चीज रियलाइज करी एंड वी स्टार्टेड पुटिंग मनी ऑन कस्टमर एक्विजिशन, एम्प्लॉय एक्विजिशन, गुड एचआर पॉलिसीज, जिससे हमारा ग्रोथ का ग्राफ वापस से इंक्रीज होने लगा। एंड दैट यू कैन सी इन द ग्राफ आल्सो कि नाउ आफ्टर दैट पॉइंट व्हेन यू स्टार्टेड द कैश बर्न, यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मोर ऑन योर कस्टमर एक्विजिशन, आपका ग्राफ बढ़ने लगता है ग्रोथ का। सो नाउ व्हाट इज इन द वीडियो फॉर यू। सो अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आप पिछले 6 महीने से सेम प्लेस पे हैं, देन यू आर ऑलरेडी इन दिस डेट ट्रैप। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक सम मेजर एक्शंस एंड द सॉल्यूशन इज पिवट। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा, बट इट्स टाइम फॉर यू टू टेक सम एक्शन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने काफी क्लाइंट के साथ काम किया है जो 6 महीने के बाद इसी फेज में आके और थोड़ा काम करते हैं, देन वो लीव कर देते हैं बिकॉज ग्रोथ नहीं आती है उस तरह की। सो या आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। हम इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को रेगुलरली शेयर करते रहेंगे एंड थैंक यू फॉर द लास्ट वीडियो। हमारे शार्क टैंक इंडिया के वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। And do subscribe the channel for regular updates, for regular content. So yeah, thank you for watching the video. अरे मुनीम जी, हाँ हमारे 6 महीने में कितनी ग्रोथ हुई है?